तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ गया हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मैं जब भी कोई यूट्यूब एंड सोशल मीडिया कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट दूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है भुवन बाम और लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो यार लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी लगाए हैं जिसमें वो भुवन बाम के साथ उनके घर पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको उनका वो स्टोरी दिखा देता हूँ। तुम्हारे भाई ने ना स्पेशल इफेक्ट डालने सीख लिए हैं, देखो अभी ना मतलब ऐसे सेलिब्रिटी आ जाएंगे ना मेरी स्टोरी में, जैसे वरुण धवन है उधर, ऋतिक रोशन है। अच्छा इफेक्ट अच्छा है भाई ये, देखना ऐसा लग रहा है भुवन बाम सामने बैठा है। बड़े यूट्यूबर्स की ये पहचान होती है कि डायमंड प्ले बटन देखो कहाँ पे है भाई। अगर हमारे पास आता तो पूरे मोहल्ले के पैसे लगवाते इसको पहले तो जड़वाने में। मैंने कहा देखा मुझे वो बहुत भारी है, नीचे आ जाता है सब कुछ। मेरा आ गया भाई डायमंड प्ले बटन, कैरी वाला पोल दे रहा हूँ ऐसे वाला। बहुत भारी है, बहुत भारी पीछे लिखा हुआ है कि कम से कम 5-6 किलो का तो है भाई। मुझे तो भारी ज्यादा है। तो यार ये स्टोरी देखने के बाद मुझे लगता है शायद लक्ष्य चौधरी का भुवन बाम के साथ कोई कोलैब वीडियो आने वाला है। आप सबको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो यार भुवन बाम का बात हो ही रहा है तो मैं आप सबको बता देता हूँ, लखनऊ में एक फूड स्टॉल खुला है जिसका पूरा का पूरा जो थीम है वो बीबी की वाइन्स को डेडिकेट किया गया है। तो मैं आप सबको उस फूड स्टॉल का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। तो यार ये वीडियो देखने के बाद भुवन बाम इस पे रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाले हैं, तो मैं आप सबको उनका वो स्टोरी दिखा देता हूँ। एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। लखनऊ के गोमती नगर एरिया में, उसके पास या गोमती नगर में ही किसी ने फूड ट्यूब करके अपना एक स्टॉल खोला है, फूड वैन खोली है जो डेडिकेटेड है बीबी की वाइन्स को। तो मुझे आज ही उसका वीडियो आया कि वो लोगों ने पूरा वो फूड वैन बीबी की वाइन्स के थीम के अराउंड किया हुआ है। एंड क्योंकि कोविड है और मैं जा नहीं सकता, तो अगर आप लोग लखनऊ में हैं तो आप प्लीज अगर हो सके तो जाइए वहां, उनका खाना टेस्ट कीजिए और मेरा प्यार उन तक पहुंचाइए। तो जब मेरा चक्कर लगेगा मैं तो वहां जाऊंगा ही, लेकिन अगर आप आसपास से हैं तो आप वहां जा सकते हैं। एड्रेस आपको इस टैग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन तक मेरा प्यार पहुंचाइए और वैसे भी आसपास सभी को प्यार पहुंचाइए, प्यार कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। तो यार आप सबको पता ही होगा कुछ टाइम पहले केआरके का 2 वीडियो डिलीट हो गया था जिसमें वो कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी को रोस्ट किए थे। उस वीडियो के डिलीट होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी अपने वीडियोज में गाली देते हैं तो उनका वीडियो यूट्यूब डिलीट नहीं करता, लेकिन उनका वीडियो यूट्यूब डिलीट क्यों कर दिया। तो कैरी मिनाटी अपने सेकंड चैनल पे लाइव थे तो उसी ट्वीट पे रिएक्ट किए, वो क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। What's your policy at the Red Team YouTube? Is it changed with each and every video and person? Carrie Minati's each video is abusing people. There are so of 100 of videos people talking bad about me, but you don't delete. When I roast your big YouTubers, so you remove videos. Why? सही बात है यार, जब जब एक चीज है जिसपे तुम डाल रहे हो जो भी डाल, मतलब कोई भी चीज है, एक बच्चा ही समझ लो, वो बच्चा भी हो गया ठीक है, जब वो बच्चा बकचोदी करता है तो वो 13 हो जाता है ठीक है, 13 बच्चा, और जब तरक्की करता है बढ़िया करता है तो मेरा बच्चा हो जाता है। तो अभी ये अभी हम व्हेन आई रोस्टेड योर बिग यूट्यूबर्स हो गया है। बहुत सही है यार, बहुत सही है इसकी। तो यार वैसे भी इस पे अवॉइड ही करो बनाना तो बेटर है, क्योंकि वो भी डिलीट ही हो जाएगी फॉर सम रीजन, आई डोंट, कुछ तो इसका भी लफड़ा है यूट्यूब के साथ, आई डोंट। तो चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं। तो अगली अपडेट है एल्विस यादव के बारे में। तो यार एल्विस यादव ध्रुव राठी और आकाश बनर्जी को टारगेट करते हुए एक ट्वीट किए, ये आकाश बनर्जी और ध्रुव राठी की वीडियो तब तक ही चलेगी जब तक बीजेपी सरकार है, सो अंदर से भी ये बोलते होंगे अब की बार मोदी सरकार। तो चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं। तो अगली अपडेट है अमन कलाकार के बारे में। तो यार आप सब तो इनको जानते ही होंगे, इनका एक डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग आया था जिसका टाइटल था हम तेरे चचा हैं, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन अगर आप लोग इनके चैनल पे जाओगे तो वो गाना आप सबको देखने
देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने उस गाने को प्राइवेट कर लिया है, क्योंकि उस गाने का लाइसेंस किसी और बंदे ने अपने नाम पे करवा लिया है और उस गाने पे क्लेम मार के सारा पैसा खुद लेना चाहता था, इसीलिए अमन कलाकार ने उस गाने को ही प्राइवेट कर दिया। तो यार आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और यार अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम लोग। और अगर आप लोग को मुझे कोई भी न्यूज सबमिट करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, यूजर नेम है @A4Aman01। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।